हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, आज 28 अप्रैल है एंड 12th स्टैंडर्ड के लिए एक बड़ी अपडेट आई है, अभी अभी न्यूज में आई है। उसका क्लिप मैं आपके लिए लेके आया, लेकिन स्टूडेंट इस क्लिप को देखने के बाद हमको कुछ चीज और डिस्कस करना है, क्योंकि आपके मन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं एंड जो SSC के स्टूडेंट्स है उनके लिए भी बड़ी एक बात मुझे कहनी थी, तो वो दोनों चीज मैं इस वीडियो क्लिप के बाद डिस्कस करने वाला हूं। तो पूरा आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद देखिए अगर उस वीडियो क्लिप में मैंने डेट एंड टाइम भी मेंशन किया है, तो ये भी आप देख लेना कि आज का ही सुबह सुबह का ही वो न्यूज आया है। एंड प्लीज वीडियो को लास्ट तक उस क्लिप के बाद भी आप देखना, क्योंकि उसके बाद हमारा डिस्कशन होने वाला है जो आपके मन में डेफिनेटली क्वेश्चन तो आने वाले, एक बार उस क्लिप को आप देखोगे। तो सबसे पहले हम वो वीडियो क्लिप देख लेते हैं। आणि आता 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी। कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य शिक्षण मंडळानं 12वीची परीक्षा पुढे ढकलली। 12वीच्या परीक्षेला बसू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या आदल्या दिवसापर्यंत परीक्षा अर्ज भरता येईल, पण त्यासाठी विद्यार्थ्यांना 8,250 रुपये इतकं परीक्षा शुल्क भरावं लागेल। 23 एप्रिल पासून परीक्षेच्या आदल्या दिवसापर्यंत विद्यार्थ्यांना अतिविशेष अतिविलंब शुल्कासह परीक्षा अर्ज दाखल करता येईल। कोणताही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं परीक्षा अर्ज भरण्याची ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे। कोणताही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये यासाठी शिक्षण मंडळानं हा निर्णय घेतलाय। अगदी परीक्षेच्या आदल्या दिवसापर्यंत विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरता येणार आहे, परंतु जर तुम्ही खूप उशिरा परीक्षा अर्ज दाखल केला तर यासाठी तुम्हाला 8,250 रुपयांचं परीक्षा शुल्कही भरावं लागेल। निलेश बुधावले आपल्याला अधिक माहिती देतात। निलेश, काय प्रस्ताव बोर्डाकडनं विद्यार्थ्यांसाठी ठेवला गेलाय? यंदा अतिविलंब परीक्षा शुल्कासह अर्ज भरण्याची तारीख 22 एप्रिल रोजी संपत होती, परंतु आता याच्यामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे आणि आता परीक्षेच्या आदल्या दिवसापर्यंत राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी आता परवानगी दिलेली आहे। मात्र यासाठी तब्बल 8,250 इतकं शुल्क भरावं लागणार आहे, कारण की हे अतिविलंब श्रेणीमध्ये हे नमूद करण्यात आलेलं आहे आणि त्यानुसार आता विद्यार्थ्यांना हा भूर्दंड सहन करावा लागणार आहे। महत्वाची ही माहिती आहे की यामुळे आता विद्यार्थ्यांना कुठेतरी एक दिलासा मिळतोय, ज्या मुलांना अजूनही अर्ज भरलेले नाहीयेत त्यांना आता या निमित्तानं अर्ज भरता येणार आहेत। यामध्ये नियमित विद्यार्थी आहेत, पुनर्परीक्षार्थी आहेत, श्रेणी सुधार योजनेतील विद्यार्थी आणि खासगी विद्यार्थ्यांना देखील यामध्ये आता त्यांचा सहभाग आहे आणि यांना फॉर्म भरता येणार आहेत। यंदा निलेश धन्यवाद या माहितीबद्दल। प्लीज कॅन्सल बोर्ड एक्झाम, कॅन्सल बोर्ड एक्झाम, प्लीज कॅन्सल द ऑल 12th बोर्ड एक्झाम, कॅन्सल बोर्ड एक्झाम। स्टूडेंट्स के साथ मजाक लगाया क्या? कैंसिल द बोर्ड एग्जाम्स, प्लीज कैंसिल अवर 12th बोर्ड एग्जाम, प्लीज कैंसिल HSC बोर्ड एग्जाम, प्लीज रिक्वेस्ट टू वर्षा गायकवाड़ मैम, प्लीज कैंसिल 2021 HSC बोर्ड एग्जाम्स, प्लीज मैम वी आर वेरी डिप्रेस्ड, प्लीज हेल्प अस, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज कैंसिल 2021 बोर्ड एग्जाम्स, प्लीज कैंसिल द 12th बोर्ड एग्जाम। Hi, I am from Mumbai, Maharashtra. Please take fast decision on HSC students. Thank you. Cancel 2021 HSC board exams. होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब 12th स्टैंडर्ड के मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया होगा, अक्सर एग्जाम हो रही है क्या, सबसे पहली चीज यही एक क्वेश्चन आया होगा। तो स्टूडेंट उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले एक चीज बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, पहले SSC एंड HSC के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जो इंटरनल होगा वो कैसे मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपका रिटन पेपर का जो SSC का है उसका अभी तक असेसमेंट ढूंढा जा रहा है कि उसको कैसे किया जाए, इंटरनल से कि असाइनमेंट बेसिकली। लेकिन जो आपको 20 मार्क्स ओरल होते हैं, खासकर जो 12th स्टैंडर्ड वाले और जो आपके 10th वाले, उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किया है। तो जैसे मैं अभी एक SSC का एग्जाम्पल मैं इसको ओपन कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे चीजें दी गई है। तो आई वुड रिक्वेस्ट स्टूडेंट कि आप एटलीस्ट ओरल एंड प्रैक्टिकल के पार्ट पे आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप ये पैटर्न समझ लेते हो, जैसे यहाँ पे दिया है, अगर आप ये पैटर्न समझ ले रहे हो तो आपको बहुत इजीली आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए, एक एक सब्जेक्ट वाइज दिया है, ऑफिशियली गवर्नमेंट के थ्रू दिया है। सिमिलरली आप HSC का भी देख सकते हो, तो प्लीज जितना हो सके उतना आप इसको जाके देख लेना। अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने वाले हैं कि
जो ये हो रहा है 12th स्टैंडर्ड के बारे में जो न्यूज आई है, ये लेटेस्ट न्यूज, इसमें क्या हो रहा है? अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पेपर होने वाला है क्या? स्टूडेंट यहाँ पे एकदम मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ये जो डिस्कशन अभी हुआ है ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के ऊपर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिये 10th स्टैंडर्ड का भी रजिस्ट्रेशन तो हुआ, उनका हॉल टिकट भी आया, तो वो क्या है क्योंकि रिजल्ट तो बनने वाला है, तो जो बच्चे जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया किसी भी वजह से, ठीक है, तो जो 23 अप्रैल से और लास्ट डेट जब तक आपका एग्जाम का डेट अनाउंस किया जाएगा उस दिन के एक दिन पहले तक जो भी बच्चे भरेंगे उनको रजिस्ट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा समथिंग 8000 के ऊपर ही उनका फीस लगाया गया है, तो ये ज्यादा अमाउंट है देखा जाए, लेकिन ठीक है चलिए वो किया है। अब दूसरी क्वेश्चन ये अराइज हो रही है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर लेकिन अगर ये बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो मतलब डेफिनेटली ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे ना एक बड़ा पॉइंट ये आ रहा है कि जब कभी भी बच्चे पेपर भरते हैं या फॉर्म भरते हैं रजिस्ट्रेशन का तो वो हमेशा 2 महीने के पहले भरते हैं ताकि वो जाता है बोर्ड तक, वहां से वो पूरा अप्रूव होता है, उनके हॉल टिकट्स बनते हैं। लेकिन अगर आप सोचो एक दिन पहले आप भर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा सिनेरियो एक दिन में हो जाएगा, और ये एक ही बच्चा नहीं, ऐसे कई सारे बच्चे होंगे स्टेट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके मन में अब यहाँ से जो मुझे एक पूरा ओवरऑल ऐसा एनालिसिस पे लग रहा है कि जो पेपर होगा वो इंटरनल लेवल पे होगा। देखिए कैसा होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई एक बच्चा जो नासिक का है, ओके, एंड उसने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि यार मुझे बोर्ड एग्जाम देना है, और ये जो रूल लगा ना ये सबके लिए, रिपीटर्स एंड एवरीवन जिनको 12th स्टैंडर्ड देने का, सो उसने बोला कि चलो मुझे पेपर देने का है, तो वो अगर जाके एक दिन पहले किसी स्कूल में जाके बोले कि सर मैं प्राइवेट भर रहा हूँ, मुझे ये करना है रजिस्ट्रेशन करना है 12th का, तो ये मैं आपको इतना पैसा दे रहा हूँ 8250 समथिंग जो अमाउंट है वो मैं दे रहा हूँ, मुझे कल पेपर देने को मिला, तो आपको लगता है कि ये एक दिन के अंदर यहाँ से वो सीधा बोर्ड तक जाएगा, पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, फिर वहां से हॉल टिकट बन के इसको एक दिन पहले मिल भी जाएगा? मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कैसा सिनेरियो होगा। यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जो ओवरऑल ऐसा देखने को एनालिसिस करने पे आ रहा है कि आपका पेपर जो होगा वो इंटरनल स्कूल लेवल पे होगा, तो अगर एक बच्चा नासिक का है उसको 12th का पेपर देना, वो जाके बोलेगा किसी भी स्कूल में कि मुझे पेपर देना है, उसको पैसा जमा करेगा, वो बोलेगा ठीक है कल तुम भी इंटरनल वाले के पेपर के लिए आ जाना, तो ये एक एनालिसिस बन रही है स्टूडेंट। लेकिन इसको जो भी देखिए न्यूज में तो ये आ गया कि इतना तो अनाउंस कर दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन, लेकिन डेट क्या है, किस हिसाब से पेपर होने वाला है, ये सारी चीजें बता। देखिए इंटरनल होगा इसका सिंपल मीनिंग होगा कि आपका पेपर कैंसिल है, बाकी सारी चीजें आपको इंटरनल बेसिस पे हो रही, तो ये भी क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इंटरनल हो रहा है मतलब पेपर कैंसिल नहीं हो रहा क्या? पेपर कैंसिल होगा तभी इंटरनल पे होता है, और उसी को हम बोलते हैं जब इंटरनल पे होगा उसी को हम बोलेंगे कि आगे प्रमोट किया गया है। सो इस चीज को आप समझ के रखिए स्टूडेंट्स। आपकी राय क्या है कि जो इतना ज्यादा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो काफी हाई रख दी गई है, कि अगर आप डबल भी करते दैट वाज फाइन, लेकिन 8000 रखना मतलब ये लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर की एक इनकम भी होती है, मंथली इनकम बन जा रही है बहुत ज्यादा। सो प्लीज स्टूडेंट आप मुझे कमेंट करके बताइए ये फैसला जो किया है ये सही है कि नहीं, एंड प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स है जो अभी तक इन सभी चीजों के बारे में नहीं मालूम है। प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए ऐसी बड़ी अपडेट जो कोई नहीं लाता वो मैं लाके दे रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।